मेवात की गरीब और दुखिया लड़की फिरदौस खान की कहानी जरूर सुने। 8 बेटियों के बाद मिला एक बेटा, खुदा ने वो भी छीन लिया। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। यह मिसाल फिरदौस के ऊपर सटीक बैठती है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं अरशद बिसरू की जुबानी फिरदौस की कहानी। दोस्तों, एक फिरदौस नाम की लड़की है जो पुनहाना कस्बे में किराए के मकान लेकर रहती है। वो लगातार 8 लड़कियों को जन्म देती है। लंबे इंतजार के बाद एक बेटा उनके घर में जन्म लेता है, मगर दोस्तों सालों बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाए हैं। घर में खुशी मिली, मगर जैसे ही सूफियान नामक बेटे ने जन्म लिया तो पति ने किसी गैर लड़की से शादी रचाकर फिरदौस को धोखा दे दिया। अब फिरदौस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, क्योंकि घर में 5 छोटी छोटी बच्चियां और 2 जवान बेटी हैं। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। फिर एक दिन फिरदौस की 2 बड़ी बेटियां पानी लेने के लिए पड़ोस में कहीं जाती हैं, तो कुछ मनचले लड़के उन्हें रास्ते में घेर कर उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं। दोनों बेटियां उन मनचले लड़कों से लड़ झगड़ कर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर अपने किराए के मकान पर माँ के पास वापस पहुँचती हैं। पूरी दास्तान सुनकर माँ फिरदौस आग बबूला हो जाती है। उस वक्त फिरदौस 10 दिन की जच्चा थी। फिर भी फिरदौस उलाहना देने मनचले लड़कों के घर जाती है, तो वहाँ फिरदौस के ऊपर हमला हो जाता है। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं। से वो मासूम बेटा भी गिर जाता है। माँ के साथ साथ बेटा सुफियान को भी चोट लग जाती है और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाता है। लेकिन गरीब को इंसाफ कहाँ मिलता है। खैर दोस्तों, यह कहानी तो यहाँ तक थी, मगर अब इसके कुछ दिन बाद सुफियान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और फिरदौस के पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपने बेटे को नहलड़ मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, मगर आराम नहीं मिलने के कारण वहाँ से अलवर रेफर कर दिया जाता है। तो फिरदौस अपने बेटे को सरकारी हॉस्पिटल ले जाती है अलवर। वहाँ वेंटिलेटर नहीं था, बेटे को सांस की दिक्कत थी, इसलिए उसे प्राइवेट हीना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पैसा ना होने के कारण डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है। अब एक तरफ बेटे की ज़िंदगी बचानी थी, तो दूसरी तरफ इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं था। अब ऐसे हालात में फिरदौस क्या करती। फिरदौस की माँ ने सुबह से लेकर शाम तक पूरे शहर में इलाज के लिए भीख मांगी, तो मात्र 150 रुपये इकट्ठे हुए। अब आप सोच सकते हैं कि 150 रुपये में तो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। फिरदौस घबरा चुकी थी, वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर थी। मगर तभी कुछ लोग आए और उन्होंने फिरदौस से कहा कि आप अरशद बिसरू पत्रकार को एक कॉल कीजिए, ज़रूर आपकी मदद होगी। तब फिरदौस कॉल करती हैं, अरशद बिसरू कॉल अटेंड करते हैं। फिरदौस रो रो कर अपना दर्द बयान करती हैं। मन ही मन अरशद बिसरू निर्णय ले चुके थे इस गरीब की मदद करनी है। वीडियो बनाकर अपने प्लेटफॉर्म मेवात आज तक पर डाले, तो अरशद बिसरू की अपील पर दर्शक मदद के लिए आगे आए। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं। सबसे पहले खुद अरशद बिसरू ने 10,000 रुपए की मदद की। फिर मेवाती ट्रक ड्राइवर सामने आते हैं, अरशद के माफत मदद करते हैं। मैं ड्राइवर भाइयों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद मेवात का एक नेता अरशद मेहराब साहब सामने आते हैं और 10,000 रुपये की अरशद के मार्फत मदद करते हैं। हम नेताजी अरशद मेहराब साहब का भी धन्यवाद करते हैं। इसके बाद दोस्तों बिसरू निवासी मास्टर याकूब खान टेलर ने 2,000 रुपये की मदद की, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलवर के साने मेवात ग्रुप की तरफ से 10,000 की मदद की गई और मेवात के कमांडो हिदायत ग्रुप की तरफ से खाने का खर्चा और 11,000 रुपये की मदद की गई। अरशद बिसरू पत्रकार ने टोटल 47,000 रुपये की मदद की थी, मगर दुख की बात यह है दोस्तों, 5 दिन इलाज चलने के बाद भी फिरदौस के मासूम बेटा सूफियान इस दुनिया को अलविदा कह गया। लाख कोशिश करने के बाद भी फिरदौस के सपने चकनाचूर हो गए। अरशद बिसरू हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और करवाते भी हैं, और मेवात की जनता अरशद बिसरू की बात को तवज्जो भी देती है। फिरदौस के अलावा भी अरशद बिसरू ने सैकड़ों लोगों की मदद करी है। प्यारे दर्शकों, आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहना। दिल दुखियों की सेवा करना भी अल्लाह ईश्वर की सच्ची इबादत मानी जाती है। इस दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है, तारीख गवाह है। इसलिए जब भी ऐसा मौका आए, तो गरीब मजलूमों की दिल खोलकर मदद करो। मरने के बाद भी इंशाअल्लाह यही काम आएगा। दोस्तों फिर दोस्त अपनी हालत ऐसी बता रही है कि उनके घर में आटा तक नहीं है। वो गरीबी से जूझ रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको ज़रूर दिखाएंगे। हालांकि कुछ लोग फिरदौस को बदचलन औरत बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी भी जांच पड़ताल ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे गरीब मजदूरों से जुड़ी कोई ताज़ा अपडेट। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।